एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन थे जो आपके बुक के टॉपिक्स में नहीं है, बाकी आप टॉपिक्स आपने किया है, सब कुछ आपने क्वेश्चन किए हैं, तो उससे सारे क्वेश्चन आप हल कर सकेंगे। अब इसमें दो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उनको आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, जिसमें आपने क्या मालूम करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं। पहले 3.4 मोल्स आप नाइट्रोजन गिवन है, तो ये आपने पहले किया हुआ, इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए अगर मोल गिवन हो तो आपने उस मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रोस नंबर से। प्रीवियस लेक्चर आप देखें तो इसमें एक मेथड किया हुआ है। उसके बाद दूसरा बी क्वेश्चन आप देखें तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम, 23 ग्राम सोडियम में आपने क्या मालूम करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या चीज गिवन है, मास गिवन है। क्या गिवन है, मास। इस मास से आपने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखें, बी को, बी में आपने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं आपने, नंबर ऑफ किसके एटम्स मालूम करने हैं, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आपने मालूम करने हैं, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। अब किस चीज से मालूम करें, गिवन क्या चीज है, मास गिवन है, मास ऑफ सोडियम एटम्स, तो कितना मास गिवन है, 23 ग्राम। तो मास गिवन है, आपने क्या मालूम करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब मास गिवन हो तो आपने किस फॉर्मूले को यूज करना है, इस फॉर्मूले को, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब मोल्स डायरेक्ट एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए आपको मोलर मास मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसमें मोलर मास फॉर्मूले में मौजूद है, तो पहले आप मोलर मास भी क्या करेंगे, मालूम करेंगे। अब सोडियम का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ सोडियम, तो 1 मोल सोडियम का मास 23 क्या होता है, ग्राम होता है, तो 23 ग्राम पर मोल सोडियम का क्या हुआ, मोलर मास हुआ। तो अब आपको फार्मूला मालूम है तो आप यूज करेंगे, वी नो दैट, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो इसके कितना मौजूद है आपके पास, 23 ग्राम मास मौजूद है, मोलर मास कितना है, 23 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23। तो ये इस स्क्वायर को 1 ही आएगा, तो 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 सोडियम के क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो जब भी आपको मास देखे, जिस तरह इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, मास गिवन है, आपसे क्या पूछे, पार्टिकल्स, तो आपने मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर आपने क्या करना है, यूज करना है। अब इसके बाद इसमें देखें 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अब इसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन है, मास गिवन है, कितना 5 ग्राम हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहता तो H2 होता, आपसे क्या होता, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। तो क्वेश्चन में अब क्या कहा है, हाइड्रोजन एटम कहा है, हाइड्रोजन एटम एक ही लेंगे, तो आप इसके लिए भी वही फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मास इन ग्राम, कितना मास गिवन है, 5 ग्राम, मोलर मास एक हाइड्रोजन एटम का कितना होता है, 1.001, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवोगैड्रोस नंबर से, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23, ये करके देखेंगे कैलकुलेटर से, 5 डिवाइडेड बाय 1 5 भी आएगा, इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आपके पास क्या होंगे, एटम्स आएंगे। तो ये इसी तरह क्वेश्चन आप सोल्व करें। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपने क्या मालूम करना है, 15 क्वेश्चन में मास मालूम करना है, क्या मालूम करना है, मास। अब क्या गिवन है, एटम्स गिवन है, मास में क्या गिवन होंगे, मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, तो एटम या मॉलिक्यूल से आपने क्या मालूम करना है, मास मालूम करना है, तो इसके लिए भी यही फार्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ, अब इसमें देखें किसके एटम से, आयरन एटम्स इज इक्वल टू, वही फार्मूला यूज होगा, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आपके पास मौजूद है क्वेश्चन में, 3.4
24 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 18 इज इक्वल टू मास इन ग्राम। आपने क्या करना है, मालूम करना है, इसी क्वेश्चन में देखेंगे मास इन ग्राम्स किसका पूछा है, आयरन का। तो आयरन का आप क्या देखेंगे, मोलर मास। तो आयरन के एक एटम का मास कितना होता है वो आपने इसका क्या देखना है, मोलर मास देखना है। तो मोलर मास को आप इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 58.84 को आप लेंगे 56। आयरन का मोलर मास कितना होता है 56 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 10 एक्सपोनेंट 23। अब इसको रीरेंज करें, आपने क्या मालूम करना है, मास इन ग्राम। तो मास इन ग्राम इस साइड पर रहेगा, अब इसको अच्छी तरह देख के इसको रीरेंज करें। अब 56 से इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसका जगह क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो दूसरी तरफ किससे मल्टीप्लाई होगा, 3.24 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 18, इससे क्या मल्टीप्लाई होगा 56 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, इधर क्या हो रहा है मोलर मास से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मोलर मास से दूसरी तरफ लेके जाएंगे डिवाइड, तो इससे क्या होगा डिवाइड होगा 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करें तो आपके पास इसका जो भी आंसर होगा वो इस पर आंसर इधर आप लिखना है। इस तरह आपका चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इस तरह के आपका क्वेश्चन एक हिस्सा है बेसिक डेफिनेशंस, दूसरा और तीसरा जो केमिस्ट्री और उसके ब्रांचेस की डेफिनेशंस और उनमें डिफरेंशिएशन।